हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है भोले करने वाली क्लास में। हम आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं क्लास इंटर की मैथ टॉपिक चल रहा है आपका हाउसिंग का एक्सरसाइज है आपकी 5 की। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 31 यानी 21 नंबर से। ठीक है, तो 21 नंबर में लिखा हुआ है वाई बराबर, देखो क्या लिखा है, वाई बराबर 1 माइनस x 1 प्लस x को भी रूट के अंदर ये लिखा हुआ है। ठीक है, अगर जहाँ पर आपका क्या होता है बेटा रूट होता है वहाँ पे क्या करते हैं वर्ग करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वाई का करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे वाई का करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इधर का करेंगे तो 1 माइनस x और 1 प्लस x यानी रूट आपका है हट जाएगा जो वर्ग करेंगे। ओके, अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, दोनों पक्षों में लॉग ले लेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तो ये हो जाएगा आपका लॉग वाई स्क्वायर बराबर में लॉग 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x यही हो जाएगा आपका। अब देखो आगे यहाँ पे क्या करना है, ये पावर यहाँ पे फार्मूला कौन सा है, लॉग m की पावर n, तो m की पावर n का क्या होता है m n आगे जाता है ना, तो वही 2 आगे और ये हो जाएगा आपका बेटा लॉग y सेम यहाँ पर अपॉन की चीज़ें यानी आपका का फार्मूला लिखा होता है लॉग m अपॉन n, तो इसका फार्मूला हो जाता है बेटा आपको लॉग m माइनस लॉग n, ये फार्मूला हो जाता है। और इसी फार्मूले को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इसका अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा लॉग 1 माइनस x प्लस माइनस रहेगा फार्मूले में और लॉग 1 प्लस x। ठीक है, आप इसके सापेक्ष कर देना है, यहाँ पे अवकलन कर देना है। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 को आप बाहर ऐसे कॉमन ले लेंगे, इस वाले 2 को बाहर आप ऐसे कॉमन ले लेंगे। ये ठीक है, यहाँ पे करके दिखाते हो अच्छा रहेगा, अपने 2 को कॉमन ले लेंगे, लॉग y क्या करेंगे तो 1 अपॉन y। ठीक है, फिर y का कराएंगे तो आपका dy अपॉन में dx बराबर, लॉग का करेंगे तो 1 अपॉन 1 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1 क्या कराएंगे, 0 x का कराएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि x का 1 होता है यहाँ माइनस, इसलिए लिखना यहाँ पे जरूरी है। ओके, माइनस लॉग का करेंगे तो 1 प्लस x, यहाँ पे x का 1 होगा लेकिन जरूरी नहीं है क्योंकि प्लस का आएगा। अब इसको अगर थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 2y dy/dx बराबर माइनस 1 माइनस x - 1 प्लस x। अब यहाँ पर अगर एलसीएम लेते हैं भैया, 1 माइनस x 1 प्लस x का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 2y dy/dx बराबर, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस x एक ब्रैकेट मिलेगा, एक ब्रैकेट में क्या मिलेगा बेटा 1 प्लस x मिलेगा, एक मिलेगा। अब 1 माइनस x को जब भाग देंगे 1 माइनस x में करेंगे तो 1 माइनस x ही तो कटेगा, बचेगा 1 प्लस x, 1 प्लस x का उड़ा कराएंगे माइनस 1 में तो ये हो जाएगा 1 प्लस x, इसे अकॉर्डिंग आप माइनस 1 को नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे 1 प्लस x को भाग करेंगे इसमें नीचे वाले में तो 1 प्लस x कट जाएगा तो बचेगा क्या आप यहाँ पे 1 माइनस x, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन y dy/dx गुणा करा देंगे -1 - x - 1 ये प्लस का x है, -1 - x 1 प्लस x क्या हो जाएगा 1 माइनस x2, ये आपका कट जाएगा। ठीक है, अब देखो बचा क्या, ये बचा 2 अपॉन y dy/dx, -1 - 1 क्या होता है -2 होता है और नीचे 1 माइनस x2 लिख देंगे, -2 - 2 काट देंगे। ठीक है, अब क्या करा देना है यहाँ पे तिरगुणा, इसका यहाँ पे गुणा कराएंगे तो 1 माइनस x2 और ये आपका आएगा dy/dx आएगा, इसका गुणा कराएंगे तो y और ये माइनस है -2 ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस x2 और ये dy/dx, y इधर आएगा तो प्लस का y हो जाएगा बराबर में 0 और यही बेटा आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ओके, यही आपको बेटा क्या करना था, प्रूव करना था।
होगा। ठीक है, तो सभी बच्चे इस सवाल को जल्दी से जल्दी नोट कर लेंगे, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके यूट्यूब पे तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ सके। ठीक है, जल्दी से ओके बेटा, चलिए देखते हैं सवाल नंबर। अब आपका नेक्स्ट है 32 नंबर। ठीक है, देखो 32 में लिखा हुआ है यक्स इंटू वाई बराबर ई की पावर एक्स माइनस वाई। ठीक है, लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना है आपको, पता है ये पावर में है और ये यहाँ पे क्या है इंटू में। अगर लॉग ले लेंगे तो कितनी अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख दो बेटा दोनों पक्षों का लॉग लेने पे, लॉग लेने पर लॉग लिख लेने क्या हो जाएगा बेटा, लॉग यक्स इंटू वाई बराबर लॉग ई की पावर यक्स माइनस वाई। आपको फार्मूला तो पता ही होगा, गुणे में क्या होता है प्लस होता है, तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा लॉग यक्स प्लस लॉग वाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको पता है पावर क्या होता है, एम अभी फार्मूला में जस्ट अभी बताया था लॉग एम की पावर एन वाला, एन आगे आ जाएगा तो यक्स माइनस वाई, और यहाँ पे हो जाएगा लॉग ई। ठीक है, लॉग ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, आपको हम बता दें तो लॉग ई होता है ये आपका वन के बराबर होता है, तो यहाँ पे वन रख देंगे तो देखो क्या आ जाएगा लॉग यक्स प्लस लॉग वाई बराबर यक्स माइनस वाई। ठीक, वन रख के गुणा कराएंगे ये आएगा। अब आप क्या करा देंगे, अवकलन करा देंगे आपसे। ठीक है, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अवकलन करने पर ठीक है, तो लॉग एक्स का कराएंगे तो वन अपॉन एक्स माइनस, यहाँ पे प्लस है, ये लॉग का कराएंगे तो वन अपॉन वाई, वाई का कराएंगे देखा तो डी वाई अपॉन में डी एक्स हो जाएगा, और बराबर में एक्स का वन हो जाएगा, वाई का आपका डी वाई अपॉन डी एक्स होता है वो लिख देंगे आप, और डी वाई अपॉन डी एक्स वाई को एक पास में लिखना है तो ये आपका लिखा वन अपॉन वाई, और ये डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का इधर आएगा तो प्लस का। ठीक है, डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर में वन अपनी जगह है, ये वन माइनस एक्स उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा वन अपॉन वन माइनस एक्स, यहाँ पर एल डी वाई अपॉन डी एक्स को बाहर कॉमन लेंगे तो वन अपॉन वाई प्लस वन, और ये हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे क्या करते हैं इसको आप ऐसे लिख दीजिएगा अभी के लिए। ओके, अब यहाँ पे इसको एलसीएम ले लीजिए, अगर इसका बेटा एलसीएम लेते हैं तो वो क्या मिल जाएगा वन प्लस वाई और नीचे वाई, और ये आपका बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, ये आपका एलसीएम यहाँ पर मिल जाएगा, सेम पोजीशन यहाँ पर करेंगे एलसीएम तो एक्स माइनस वन और एक्स एलसीएम मिल जाएगा, तिरे गुणा करा देते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये अगर क्योंकि आपको निकालना क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, वाई का इसमें गुणा करा देंगे तो वाई यक्स माइनस वन हो जाएगा, इधर गुणा करा देंगे तो यक्स वन प्लस वाई। ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा इस सवाल नंबर 32 का आंसर। ठीक है, तो सभी बच्चे अच्छे से नोट कर लेंगे, फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, जी देखते हैं सवाल नंबर, अब आपका नेक्स्ट है 32। ये 32 में लिखा है fx बराबर, आपको सब मल्टीपल में लिखा हुआ है, उसके बाद यानी गुणे में लिखा हुआ है, और कलश ज्ञात कीजिए, और कहा है एफ डैस वन बराबर ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको हम बता दें एफ एक्स का जो अवकलन होता है वो एफ डैस एक्स होता है। ठीक है, अगर हम पुनः अवकलन इसका कराएंगे तो एफ डबल डैस एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यानी क्या है, इसका एक बार अवकलन हुआ है क्योंकि एक बार डैस लगा हुआ है, तो सबसे पहले आपको दिया क्या है, देखो एफ एक्स बराबर दिया है वन प्लस एक्स, वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स की पावर फोर, और वन प्लस एक्स की पावर एट, ये आपको दिया है। ठीक है, इसी को ज्ञात करना है, तो आपको पता है गुणे में अगर इसका हम लॉग ले लेते हैं तो बहुत इजी हो जाएगा, बहुत सरल हो जाएगा, तो तुरंत क्या लेंगे इसमें लॉग लेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, लॉग एफ एक्स बराबर लॉग वन प्लस एक्स, वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स की पावर फोर, वन प्लस एक्स
खाओ, ये हो जाएगा आपका। आपको पता जितनी चीजें गुड़े में होती क्या मिल जाती है, प्लस में हो जाती है जब लॉग में होता है। तो यहाँ पर जितनी चीजें गुड़े में नहीं सारी चीजें गुड़े में, तो क्या मिल जाएंगी सारी चीजें आपको प्लस में हो जाएंगी। तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा लॉग, ठीक है, ये आ जाएगा आपका एफ एक्स बराबर लॉग वन प्लस यक प्लस लॉग वन प्लस यक स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस लॉग वन प्लस यक की पावर फोर प्लस लॉग वन प्लस यक की पावर एट, ये हो जाएगा आपका। अब आपका बहुत ईजी हो गया, इसको जब आप यक्ष के सापेक्ष अवकलन कराएंगे, यक्ष के सापेक्ष जब इसका क्या कराएंगे बच्चा, अवकलन कराएंगे, अवकलन करने, ठीक है, जब से सापेक्ष करेंगे तो लॉग का क्या होता है वन अपॉन, वन अपॉन में क्या है बच्चा आपका एफ एक्स है, तो आप ये लिख देंगे, ठीक है। और फिर एफ एक्स का कराएंगे जैसे वाई का कराते थे, यहाँ पे एफ एक्स का हो जाएगा, तो एफ एक्स का हो जाएगा एफ डैश एक्स हो जाएगा बराबर में, लॉग का कराएंगे तो वन अपॉन वन प्लस एक्स हो जाएगा प्लस, यहाँ पे कराएंगे तो वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, साथ में वन का जीरो, एक्स का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर टू एक्स हो जाएगा, यहाँ पर भी वाले एक्स का वन हो जाएगा, तो गुणा कराएंगे वही आएगा, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कराएंगे तो वन प्लस एक्स की पावर फोर इंटू, यहाँ पे वन का जीरो ये जाएगा आपका फोर एक्स क्यूब हो जाएगा, पता है ना एक्स की पावर फोर का क्या होता है। ओके तो यहाँ पर हो जाएगा आगे वन प्लस एक्स की पावर एट, और यहाँ पर हो जाएगा एट एक्स का ऑप्शन, ये आपका हो जाएगा। इसको और थोड़ा सा सॉल्व करना चाहें तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले इसका मल्टीपल कराएंगे, इधर गुणा कराएंगे, ठीक गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर एफ एक्स हो जाएगा। और फिर एफ एक्स का मान रख देना, डायरेक्ट मान को रख दें यहाँ पे उठा के, भाई एफ एक्स बराबर जो ये है यहीं पे रख देना है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, भाई गुणा कराओगे एफ एक्स आएगा, वहीं पे आपको रख देना है। तो वहाँ पे क्या है वन प्लस एक्स और वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स की पावर फोर, और क्या है वन प्लस एक्स की पावर एट, ये आपका एफ एक्स में दिया है। आगे इसका देखो क्या करना है, यहाँ पर यहाँ पे इस अंदर में क्या लिख, एलसीएम लिख कर नहीं, आप ऐसे लिख दीजिए इसको, ये जाएगा वन प्लस एक्स प्लस, यहाँ पे देखिए सब अच्छे से देखेंगे, यहाँ पे ऊपर लिखा है टू एक्स और नीचे वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्यूब अपॉन वन प्लस एक्स की पावर फोर प्लस, यहाँ पे हो जाएगा एट एक्स की पावर सेवन वन प्लस एक्स पावर एट, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, एफ एक्स का, ठीक है, एफ डैश का। आगे भी बात खत्म नहीं है, पहले इसको सुन लीजिए, आगे ये हो जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेशन को सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको इस सॉल्व में अवकलन करना है, कैलकुलेशन नहीं करनी है, ठीक, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। आगे लिखा है और इसीलिए तो अवकलन समाप्त हो गया, आगे और दिया है और भी लिखा है, इस प्रकार एफ डैश वन कितना होगा, यानी एफ डैश वन का मतलब है देखो आपका लिखा था, अगर लिखा था एफ डैश एक्स लिखा था, जब ये कब होगा, जब यक्स बराबर वन होगा तभी तो ये होगा, तो यानी यक्स बराबर क्या है वन, यहाँ पे लिख देना बेटा यक्स बराबर वन रखने पर, ठीक है, यही तो रखा जाएगा, चलो वन रख देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा एफ डैश वन बराबर, देखो यहाँ पे थोड़ा अच्छे जल्दी करेंगे, थोड़ा अच्छे से देखिएगा, यक्स की जगह वन रखेंगे, वन वन जोड़ देंगे कितना आ जाएगा दो आ जाएगा, ये इंटू लगा इंटू लगाएंगे, यहाँ पे वन रखेंगे, वन का स्क्वायर करेंगे वन आएगा, वन वन जोड़ देंगे कितना आ जाएगा दो आ जाएगा, बुरा यहाँ पर भी आप वन रखेंगे, पावर फोर कराएंगे फिर भी वन आएगा, और जोड़ देंगे फिर भी दो आएगा, यहाँ पर भी सेम कंडीशन दो आएगा, अंदर देखिए। अब यहाँ पे वन वन जोड़ेंगे कितना आ जाएगा दो आ जाएगा प्लस, यहाँ पे वन रखेंगे गुणा कराएंगे तो ऊपर तो दो ही रहेगा, नीचे वन को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा दो आ जाएगा प्लस, यहाँ पर चार आएगा, यहाँ पर दो आएगा प्लस, यहाँ आठ आएगा, यहाँ पर दो आएगा, सब बच्चों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक। अब नीचे क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो एफ डैश वन बराबर दुगुनी चार चार दुना आठ गुना सोलह आ जाएगा, इंटू में आपका देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इंटू में एलसीएम ले लेंगे तो नीचे दो एलसीएम बेटा मिल जाएगा, ऊपर हो जाएगा वन प्लस टू प्लस फोर प्लस एट, ऐसा क्यों हो रहा है आपको पता होगा, जब आधार सेम होता है तो ऊपर की संख्याओं को सेम लिखा जाता है, दो हट्टी सोलह हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा इधर सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं, गलती हो सकता है नीचे ना दिखे, तो ये हो जाएगा बेटा आपका एफ डैश एक्स बराबर यहाँ पर आठ बच्चा इंटू आठ बच्चा इंटू, और यहाँ पे देखिए ध्यान से कितना बचेगा, देखो यहाँ पे आठ चार बारह, बारह तीन
आठ चार बारह, बारह तो चौदह, एक पंद्रह, ठीक है, यहाँ पर पंद्रह होता है, ठीक है। तो एफ डैश क्या बेटा, एफ डैश यहाँ पे वन रखा गया, वन है आपका यहाँ पर, वन बराबर पंद्रह से एक सौ बीस, ठीक है। तो ये एफ डैश वन का आपका क्या आ जाएगा, एक सौ बीस आएगा, ठीक है। ओके बताइए बेटा, कोई डाउट इस सवाल में तो ओके बेटा, इसे आप नोट कर लीजिए, फिर देखेंगे। ओके बेटा, ये देखते हैं सवाल नंबर आपका 34 और आज की क्लास का भी लास्ट सवाल है, ठीक है। ये छोटे छोटे सवाल हैं, आप करना चाहें तो कर लीजिए, कर सकते हैं। कि जो बच्चा स्टार्टिंग क्लास देख रहे हैं, सारे सवाल बिना आप बताए हुए कर सकता है। जैसे देखो पहला कितना अच्छा लिखा है, पहला सवाल लिखा है आपको लॉग, ये पहला सवाल लॉग, और यहाँ पर क्या लिखा है बेटा आपको कॉस ई की पावर एक्स। अगर इसका हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं, एक्स के सापेक्ष अगर इसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, तो लॉग का क्या हो जाता है, वन अपॉन में कॉस ई की पावर एक्स हो जाता है, ठीक है। ये हो गया लॉग का। अब कॉस का करते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस का, माइनस आगे लिख दीजिएगा, साइन ई की पावर एक्स हो जाता है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो जाता है, इसका क्या हो जाएगा, गुणा कराएंगे माइनस ई की पावर एक्स, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाता है बेटा, टेन ई की पावर एक्स, ठीक है। लो ये पहला सवाल हो गया। इसी प्रकार अगर सेकंड नंबर करना चाहें, देखो सेकंड नंबर क्या है आपका, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर। तो ध्यान से अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये बीच में प्लस लगा के डैश 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 करके पांच नंबर तक आया है, तो यानी यहाँ पर ई की पावर एक्स तीन भी होगा और क्या होगा, ई की पावर एक्स की पावर फोर भी होगा, तब जाके ई की पावर एक्स पाँच तक पहुँचेंगे। इसका भी अवकलन कर देंगे, अगर इसका भी क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे, तो e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर करेंगे तो e की पावर x का तो e की पावर x होगा, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर दिया है तो यहाँ पर 2x भी हो जाएगा, x स्क्वायर का प्लस, यहाँ पर भी सेम x क्यूब हो जाएगा, इसका कराएंगे 3x स्क्वायर हो जाएगा, सेम कंडीशन, e की पावर x की पावर 4, 4 का कराएंगे x पावर 4 का क्यूब हो जाएगा प्लस e की पावर x की पावर 5, ठीक है, इसका कराएंगे तो 5x की पावर 4 हो जाएगी, ठीक। इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, e की पावर x प्लस 2x और e की पावर x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर e की पावर x क्यूब, ओके, प्लस यहाँ पर 4x क्यूब e की पावर x पावर 4 प्लस, मल्टीपल कराया जा रहा है और यहाँ पर कुछ नहीं कराया जा रहा है, ठीक। लो इसका ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट सवाल देखो दिया है, कौन सा दिया है, देखो नेक्स्ट सवाल आपका दिया बेटा लॉग, और यहाँ पे लिखा है लॉग एक्स लिखा है, तो इसका भी जब आप अवकलन कराएंगे, क्या कराएंगे, अवकलन, तो लॉग का क्या हो जाएगा, वन अपॉन लॉग एक्स हो जाएगा, और लॉग एक्स का क्या होता है, वन अपॉन एक्स हो जाएगा, गुणा कराएंगे तो एक्स, और ये आपका लॉग एक्स, ठीक है। लो ये आपका आंसर हो जाएगा, कौन से नंबर सवाल का, चौथे नंबर सवाल का, ठीक है। अच्छा ये तीसरा बच गया, चलो ठीक है, चौथा कर लीजिए, तीसरा यहाँ पे बताया दूंगा, ठीक है। ये लीजिए आपका तीसरा, तीसरा है रूट के अंदर e की पावर, क्या कैसे करेंगे इसका, आप क्या करेंगे बेटा, अवकलन करेंगे, अवकलन करेंगे, अवकलन करेंगे, तो रूट का क्या होता है, वन बाई टू, रूट में जो लिखा होता है वो लिख देते हैं, ये रूट का होता है। उसके बाद e की पावर का करेंगे तो e की पावर रूट एक्स हो जाएगा, और उसके बाद देखिएगा रूट एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू रूट में एक्स, इसको आगे का सॉल्व करेंगे तो गुणा कराएंगे तो ऊपर आ जाएगा e की पावर रूट एक्स, नीचे दो दूनी चार हो जाएगा, और ये हो जाएगा रूट, देखो और रूट के अंदर एक्स का गुणा करा देंगे, इस रूट एक्स का इस रूट के अंदर गुणा कराएंगे तो यह आएगा एक्स e की पावर रूट एक्स, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। रूट एक्स कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, अच्छा ये, हाँ ये रूट एक्स है तो ये बेटा आपका रूट एक्स रहेगा, ठीक, ये e की पावर रूट एक्स है तो e की पावर रूट एक्स ही रहेगा, ओके। अब आगे देखिए यहाँ पे ये वाला कॉस अपॉन लॉग एक्स, अंश और हर का फार्मूला है, इसे आप लोग कर लेंगे, ठीक है, अंश और का फार्मूला कर लेंगे। अगला सवाल बच्चा आपका जैसे वी आई ये वाला, ये क्या है आपका, कॉस लॉग एक्स प्लस e की पावर एक्स, तो सबसे पहले जब अवकलन कराएंगे इसका, इसका भी क्या करेंगे बेटा, अवकलन करेंगे,
तो कॉस का क्या होता है? माइनस का साइन। यक्स में क्या लिखा है आपका? लॉग यक्स प्लस ई की पावर यक्स। ओके, आगे देखिए, आगे अब ब्रैकेट के अंदर क्या? लॉग यक्स। लॉग यक्स का हो जाएगा वन अपॉन यक्स प्लस ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स, ठीक है। ओके, गुणा करा देंगे तो आपका हो जाएगा माइनस वन अपॉन यक्स प्लस ए की पावर एक्स, और ये साइन लॉग यक्स प्लस ए की पावर एक्स, ठीक है। इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सभी बच्चे ये वाला जो सवाल है अंश और हर वाला ये कर लेंगे, कोई आपका होमवर्क है। ये वाला क्या है बेटा? ये आपका क्या है? एच डब्ल्यू है। एच डब्ल्यू में है, अगर नहीं आता तो नेक्स्ट क्लास में आप बताएंगे। वैसे जो बच्चा रेगुलर पढ़ रहा है उसको ये वाला सवाल जरूर आ जाएगा, ठीक है। तो ओके बेटा, आज की क्लास में यहीं तक के, मिलते हैं कल की क्लास में। तो सभी बच्चे नोट जरूर करते हुए चलेंगे, ठीक है। ओके, आप लिखना ही चाहेंगे।